जिंदगी एक परीक्षा है। काफ़ी लोग इसमें फेल हो जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। अगर जीवन में कुछ आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को दूर करें। आइए सुनते हैं एक सुंदर कथा जिससे आपको बहुत ही उत्साह मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के दो बच्चे भेंट किए। वे बड़े ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज नहीं देखे थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त कर दिया। जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उस जगह पहुंच गए जहां उन्हें पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और अब पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था तो वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। ये देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहां एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाहता। राजा ने सवाल किया, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से ही यही समस्या है, वो इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे, वे अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता हुआ देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में ऐलान करा दिया गया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और वापस डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में स्वर्ण मुद्राएं भेंट करने के लिए राजा ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बस तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। मालिक, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं जानता, मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर बैठने का बाज आदि हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही तो वो भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो जीवन में ऊपर उड़ने के लिए तमाम तरह के अवगुणों की डाल काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों या कमजोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।